हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस अर्थ इंडिया चैनल। मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी अध्याय एक। अध्याय का नाम है जीवों में जनन। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है, बट जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो अपलोड होने में कुछ समस्या हो रही थी, जिसके कारण यह वीडियो पूरा इस चैप्टर का पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और कुछ टॉपिक अधूरे रह गए। तो उस टॉपिक को हम आज पार्ट टू वीडियो के द्वारा क्लियर करेंगे, समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के लिंक के ऊपर क्लिक करके और जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हैं। राइट, आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक छूटे थे उनके बारे में। फ्रेंड्स, टॉपिक है युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक का जो स्थानांतरण होता है फ्रेंड्स, हम आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। इनके निर्माण के पश्चात नर मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, यानी कि नर और मादा के दोनों जो युग्मक हैं, यानी कि जो भी कायिक जो है, यानी कि बॉडी कह सकते हैं हम, ये दोनों बॉडी नर और मादा की एक पास आती है, यानी कि ये युग्मक एक पास आते हैं। राइट, ताकि युग्मन यानी कि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक क्या हो, कंप्लीट हो, संपन्न हो। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है कि युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की कि युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? यह एनसीईआरटी आपसे प्रश्न कर रहा है। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक अचल स्थान यानी कि स्थानवृद्ध होते हैं। राइट, कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। कुछ ऐसे भी जो है कि फंजाई हैं या शैवाल हैं जिनमें जो नर और मादा दोनों क्या होते हैं, चलनशील होते हैं, लेकिन कुछ जीवों में नर ही चलनशील होता है, मादा चलनशील नहीं होती। राइट, इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांशतः साधारण पादपों जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट में जल ही माध्यम होता है, जिसके द्वारा जो नर और मादा युग्मक क्या करते हैं, ये तैर के आपस में संलयित होते हैं, मिलते हैं, जिसमें होकर युग्मकों का क्या होता है फ्रेंड्स, स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हज़ार गुना जो है कि अधिक संख्या में पैदा होते हैं। अगर हम बात करें, देखा जाए तो नर युग्मक को मादा युग्मक पे पहुँचना होता है, तो इसी कारण नर युग्मकों की ज़्यादा संख्या होती है, कई हज़ार गुना। अगर एक अंड है तो उसकी अपेक्षा कई हज़ार गुना जो है नर युग्मकों को पैदा होना पड़ता है, क्योंकि स्थानांतरण के समय बहुत से नर युग्मक नष्ट हो जाते हैं। अगर हज़ारों में पैदा होते हैं तो अगर उसमें से अगर 995 नष्ट हो जाए, 5 बचे, तभी जो है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। 5 तो फर्टिलाइजेशन कर ही लेंगे हज़ार में से। राइट, इसीलिए इनको हज़ारों में पैदा होना पड़ता है। बीजीय पादपों जिनमें बीज होते हैं, राइट, में पराग कण नर युग्मकों के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं यह उसका ये जो बीजी जो पादप हैं उनके फूलों में आपके ये वर्तिका है। राइट, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पे आप देख रहे हैं ये पराग कण अटैच होके और ये वर्तिका द्वारा यहाँ पे क्या किए हैं, ये पराग नली बना के और जाके उसके अंड से फ्यूजन कर रहे हैं। राइट, इस प्रोसेस को हम चैप्टर नंबर 2 में समझेंगे, कंप्लीट समझेंगे। राइट, देखिए, बीजी पादपों में पराग कण नर युग्मकों के वाहन के रूप में कार्य करते हैं, तथा अंडप में अंड होता है। अंडप में यानी कि अंडाशय में क्या होते हैं, अंड होते हैं। पराग कण पराग कोष में उत्पन्न होते हैं। पराग कण जो होते हैं मेल पार्ट के यानी कि अंतर यानी कि पराग कोष में उत्पन्न होते हैं। अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह पराग कण यानी कि वर्तिकाग्र पर यहाँ पे झड़ जाते हैं। आप देखें यहाँ पे झड़े हुए हैं। राइट,
में स्थानांतरित हो जाने चाहिए, राइट। द्विलिंगी स्वतः निषेचनीय पादप जैसे कि मटर पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें जो होता है पराग कोष तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, राइट, क्योंकि इसमें स्वपरागण होता है, राइट। स्वपरागण और परपरागण दोनों में अंतर होता है। देखिए यहाँ पे दिया है परपरागण, राइट, और यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स यानी कि स्वपरागण, राइट, यानी कि स्वतः निषेचनीय यानी पादप यानी कि जो वे पौधे स्व यानी कि एक ही पुष्प में है, तो यानी कि उसी पुष्प के पराग कोष से पराग कर उसी पुष्प के स्टिग्मा यानी अंड से फ्यूज करते हैं, तो वह स्वपरागण यानी कि वह कहलाता है स्वपरागण यानी कि स्वतः निषेचन कहलाता है। कुछ ऐसे पुष्प हैं ऐसे हवा के संपर्क में या कीड़ों के संपर्क में पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं और वर्तिका द्वारा पराग नलिका बना के और अंड से फ्यूज करते हैं, उसे हम परपराग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पर हैं, राइट। अब निषेचन का हुआ मेल, राइट, और फीमेल जो युग्मक हैं दोनों का मिलना ही निषेचन कहलाता है, राइट। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। हम यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा ये आपके सवाल हैं, दोनों एक समान है, ये मेल वाला हो गया, राइट, ये मेल है और ये फीमेल है, राइट। ये दोनों पानी में अपने द्वारा यानी कि सांप के द्वारा तैरते हुए आएंगे, आपस में दोनों यहाँ पे मिल गए ना, राइट। मिलने से क्या होगा, दोनों का जो है केंद्रक में मिल जाएगा, आपस में मिल जाने से एक जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा और यही एक नया जीव को तैयार करेगा, नया जीव नया बॉडी यहाँ पे क्या होगा, डेवलप होगा, राइट। यही कहलाता है युग्मक का मिलना, यही फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, राइट, निषेचन कहलाएगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, निषेचन इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना स्वतः युग्मक का संयुग्मन ही है। यह प्रक्रिया युग्मन संलयन कहलाती है या साइनोगैमी कहलाती है, राइट, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित यानी कि यन यन मिले तो क्या बने, टू यन बन गया, तो द्विगुणित युग्मन यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, राइट। इस प्रक्रिया के लिए निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है, राइट। तो बच्चों कुछ ऐसे भी जीव हैं, राइट, जिनमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करें मधुमक्खी, राइट। तो मधुमक्खियों के टोल में एक रानी मधुमक्खी होती है, राइट। तो मधुमक्खी जो रानी होती है वो फीमेल होती है और उसमें मादा भी मधुमक्खियां और होती हैं वर्कर के रूप में, नर भी होते हैं। नर जो होते हैं मादा के साथ फ्यूज करते हैं, राइट, और फ्यूज करते हैं जिसके कारण फर्टिलाइजेशन होता है। तो मादा ही मधुमक्खियाँ यानी कि अंडे उत्पन्न होते हैं, उससे केवल मादा मधुमक्खियाँ ही पैदा होती हैं, लेकिन बिना निषेचन के ही जो रानी मधुमक्खी है बिना फर्टिलाइजेशन का बिना नर से मिले जो है वो नर अंडे को वो उत्पन्न कर देती है, राइट। तो यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन से वह एक नया जो है कि अंडा नया जीव उत्पन्न हो रहा है वह कहलाता है अनिषेक जनन यानी कि पार्थोजिनेसिस कहलाता है, राइट। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अगर जब नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी से फ्यूजन करता है तो एक बार ही जनन करता है, उसके बाद उसके अंडकोश फंस जाते हैं और वो मर जाता है। तो ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है कौन सा ऐसा जीव है जो जनन करने के बाद मर जाता है, तो वो है नर मधुमक्खी, राइट। तो आइए हम लोग देख लेते हैं युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है। तो ये दो प्रकार से होता है, एक होता है आंतरिक दूसरा होता है बाह्य, राइट। तो बाह्य देखा जाए
तो यह बाह्य जो निषेचन है ज़्यादातर मछलियों में यानी कि जलीय प्राणी की बात करें उनमें होता है। उनमें क्या होता है कि मेल बॉडी से इस जो है कि नर युग्मक को मेल बॉडी से ठीक है यहाँ पे मेल राइट मेल बॉडी से जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं मेल बॉडी से राइट जो नर युग्मक होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है पानी में राइट। ये पानी में क्या हो जाते हैं रिलीज हो जाते हैं और फीमेल बॉडी से भी जो ओवा होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं और ये मेल वाला जो है आके फीमेल से जो है कि फ्यूज़ करता है, दोनों का केंद्रक आपस में मिलके एक कंप्लीट कोशिका बनाता है, फिर वहाँ पे एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है राइट। तो फ्रेंड्स इस तरह यह कहलाता है बाह्य निषेचन यानी कि शरीर से बाहर युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, यह बाह्य निषेचन कहलाता है। अब दूसरा है आंतरिक निषेचन यानी कि इसको जैसे कि पुष्पी पौधे हो गए यानी कि जो फूल की बात करें यानी कि पुष्पी जो पौधे होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन होता है। स्तनधारियों की बात करें गाय भैंस बकरियाँ मानव इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। इसमें नर युग्मक को फीमेल बॉडी के गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में ट्रांसफ़र होना होता है राइट। नहीं तो पौधों की बात करें तो उनके ओवरी में अंडाशय में ट्रांसफ़र होना होता है राइट और अंड से मिलना होता है, यह कहलाता है आंतरिक निषेचन। अब निषेचन पश्च घटना है यानी कि निषेचन हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या घटनाएं होती हैं। पहला हमने पढ़ा निषेचन पूर्व घटना है, तो निषेचन पूर्व घटना युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का स्थानांतरण होता है। अब पढ़ेंगे कि जब निषेचन हो गया तो उसके बाद कौन सी घटनाएं होंगी, तो उसके बाद आपकी लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। यन मिल गया, फिर ये मेल का यन हो गया और यह फीमेल का यन हो गया, दोनों मिला क्या बना 2N, यही हमारा क्या होगा कंप्लीट, यही हमारा कंप्लीट युग्मनज होगा फ्रेंड्स, क्या होगा यही हमारा कंप्लीट युग्मनज होगा राइट 2N, ये कंप्लीट हमारा युग्मनज जाइगोट कहलाएगा राइट। युग्मनज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, युग्मनज राइट ये हमारा टॉपिक है। युग्मनज द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम से होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होती है उनके शरीर के भीतर युग्मनज का निर्माण यानी कि संरचना बनता है या निर्माण होता है। जो बाह्य निषेचन जिन जीवों में होता है उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर से बाहर यानी कि पानी में फ्यूज करते हैं, तो बाहर ही वहाँ पे जाइगोट बन रहा है। जैसे कि मेढक, मेढक जो है फीमेल वाला जो मेढक जो होती है वो अपने अंड को शरीर से बाहर निकाल देती है और जो नर वाला मेढक है उस अंड पे जम करके स्पर्म को छोड़ देता है और शरीर से बाहर वहाँ पे नर और मादा युग्मक का फ्यूजन हो जाता है राइट। तो वह बाहर माध्यम से जाइगोट बनते हैं। और अगर मानव की बात करें या स्तनधारी की बात जीवों की बात करें तो उनमें फीमेल बॉडी के अंदर ही जाइगोट का निर्माण होता है राइट फ्रेंड्स। देखते हैं भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव मतलब होता है एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि जाइगोट का डेवलप होना राइट। तो भ्रूणोद्भव भाव का में यानी कि युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन समसूत्री कर यानी विभाजन होता है यानी कि एक समान यानी कि 46 गुणसूत्र हैं तो बार बार डिवाइड करके 46 ही गुणसूत्र वाले कोशिका बनाएंगे, 2N ही बनाते रहेंगे राइट। तो कोशिका विभेदीकरण यानी कि 2N यानी कि हम कह सकते हैं समसूत्रण विभाजन से ये गुजरता है। भ्रूण विकसित के विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है वही कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेष ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप छिपकली आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में
आप अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि कक्षा 11 में आपने अध्ययन कर लिया है, राइट। प्राणियों को अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभेदित किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य में मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया जाता है अथवा भीतर, अर्थात उनका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव में शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ, राइट। प्रसव का मतलब होता है शिशु का जन्म होना, राइट। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ एक और टॉपिक है, ये आपकी फलवृत्ति समझा देते हैं, राइट। जो फूलों की बात करें तो फूलों में जो ओवरी होते हैं वह फल में बदल जाते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि नर और मादा एक मिलते हैं तो वे सीड बनाते हैं, यानी कि बीज बनाते हैं, राइट। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे मटर में बीज बना हुआ है, राइट। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया, यानी कि चैप्टर 1 जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लास का चैप्टर 2 का मैं वीडियो अपलोड करूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं जल्द ही आपके क्लास यानी कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, राइट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।